इससे जरूरत और बात करने वाला लॉक स्क्रीन वॉलपेपर को ऑन ऑफ कैसे कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर यही से बात करने वाला है, जो ऑटोमेटिकली जो चेंज होता रहता है वॉलपेपर, अगर आप लगाना चाहते हो तो लगा सकते हैं, अगर हटाना चाहते हैं तो हटा सकते हैं। इस वीडियो के अंदर यही से बात करने वाला हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं, जानते हैं स्टेप बाय स्टेप। मेरे पास जो फ़ोन है आप देख सकते हैं वो है रेडमी का, और रेडमी के किसी भी डिवाइस में कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको मैं इसको हटा लेता हूँ, लॉक को खोल लेता हूँ। खोलने के बाद अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से सेटिंग में जाऊँगा। सेटिंग में जाने के बाद आपको इस तरीके का ऑप्शंस दिखेगा, तो आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिल रहा है। तो फ्रेंड्स आपको क्या करना होगा, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे आपको लॉक स्क्रीन पे क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करने के बाद गैलेंस फॉर MI पे क्लिक करना होगा, और अगर आप चाहते हैं कि इसको बंद करना तो इस पर क्लिक करके बंद कर सकते हैं। श्योर पे क्लिक कर दीजिए, सॉरी हाँ ये बंद हो गया। अब अगर इसको ऑन करना है तो इस पर क्लिक कर दीजिए, अब ये ऑन हो गया। और इसी प्रकार से अपना लॉक स्क्रीन जो वॉलपेपर है उसको ऑन ऑफ कर सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। अगर इसको ऑफ जैसे कि मैंने कर दिया, अब यहाँ पे मैं चेंज करने की कोशिश करूँगा तो यहाँ पे चेंज नहीं होगा, आप देख सकते हैं नहीं हो रहा है, लेकिन ऑन करने के बाद ये वर्क करने लग जाता है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए मिलते हैं ऐसे कोई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।